हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। एक और फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में 9 ग्रह है, 9 ग्रह में एक हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी, आखिर पृथ्वी बड़ा है या सूर्य बड़ा है? तो ये जो हमारा पृथ्वी है, इस सौर मंडल में 3रा स्थान पर है। और ये जो सूर्य है, सूर्य आखिर पृथ्वी, क्योंकि इस पृथ्वी पर से देखने में यही प्रतीत होता है कि सूर्य छोटा है और इस पृथ्वी बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, सूर्य छोटा है, ऐसा प्रतीत होता है देखने में। लेकिन रियल में सच्चाई क्या है कि ये जो सूर्य है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा है, 10 गुना 20 गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत होता है। और ये जो तमाम ग्रह, जो 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह सूर्य के परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये सूर्य आता है। और मिल्की वे में सूर्य के जैसा 2 अरब से ज़्यादा तारा है मिल्की वे में। लेकिन ये जो तारा है, सूर्य से भी बहुत बड़ा बड़ा तारा है, सूर्य से भी अरबों गुना, लाखों अरबों गुना बड़ा तारा है मिल्की वे में। लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ये जो सूर्य पृथ्वी है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और सूर्य से भी अरबों लाखों गुना बड़ा और भी तारा है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है। और पता ही है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में गैलेक्सी है। तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में जो 9 ग्रह है, आखिर ये पता कैसे चला, पता कब चला कि ये जो हमारा 9 ग्रह है वो सूर्य के परिक्रमा कर रहा है? तो आज से लगभग 600-700 साल पहले एक कोपरनिकस वैज्ञानिक था, उन्होंने पहली बार बताया था। पहले लोगों का मत यही था कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा नहीं करता है, सूर्य है ना जो पृथ्वी के परिक्रमा करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, लगता है आज भी लोग, 75% लोग को आज भी पता नहीं है, आज भी लोग यही कहेगा कि सूरज नहीं, पृथ्वी नहीं घूमता है, सूरज घूमता है, क्योंकि पूरब से उगता है और पश्चिम चला जाता है, तो इसका मतलब है कि सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है, आज भी लोगों की मत है। तो यही मान्यताएँ लोगों के मन में था, जो कि आज से लगभग 15वीं शताब्दी में लगभग एक इंसान वैज्ञानिक था कोपरनिकस, उन्होंने पहली बार बताया कि जो सूर्य जो है ना, सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य के चारों ओर हमारा ग्रह जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। लेकिन वहाँ के उस समय का जो मान्यताएँ था, जो ईसाई धर्म के लोग, जो उन लोग का कहना था कि नहीं, सूर्य जो है ना, सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, ऐसा मत था, ऐसा उन लोगों का कहना था कि भगवान ने ऐसे बताया है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन जब कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है कि सूर्य के चारों ओर हमारा ग्रह घूमता है, हमारा पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर घूमता है, धर्म के लोगों द्वारा बहुत तरह के उसको पड़ताड़ना झेलना पड़ा और बहुत निंदा किया गया। और लेकिन फिर लास्ट में उसको वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि तुम जल्दी जो है अपना कथन वापस लो, कि बोलो कि पृथ्वी नहीं, सूर्य घूमता है। लेकिन वो फिर डर से ऐसा कर लेता है। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था ब्रूनो। ब्रूनो ने जब पहली बार बताया कि सूर्य जो है केंद्र में है, और सूर्य के जो ये 9 ग्रह जो है उस सूर्य के परिक्रमा करता है, तो फिर वैज्ञानिक सब वहाँ धर्म के जो लोग थे उसको फिर बुरा लगा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ब्रूनो ने है ना, जो अपना बात से वो हटा नहीं, एकदम अडिग रहा कि नहीं, जो सच्चाई है वही कहेंगे। फिर लास्ट में वहाँ के जो धर्म के लोग जो थे, ईसाई धर्म में था कि शायद यहूदी धर्म के लोग जो थे, उसको फिर क्या होता करता है कि उसको जिंदा जला देता है, चौराहे पर ले जा कर जिंदा जला देता है वो। तो लेकिन रियलिटी ऑफ सच्चाई कुछ भी हो, फिर आगे चल के एक वैज्ञानिक था गैलीलियो,
गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उससे देखा और बहुत बारीकी से समझते हुए फिर कहा कि नहीं, सूर्य जो है केंद्र में है और सूर्य के 9 ग्रह जो है सूर्य के परिक्रमा करता है। लेकिन गैलीलियो, अब धर्म के लोग, धर्म में ऐसा जो मान्यता है, जो इस ऐसा विश्वास बन जाता है कि लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है, और फिर धर्म के लोगों ने कहा कि ना ये गलत है, फिर इंसान भगवान को भी झूठा ठहला कह रहा है, इसलिए उसको सज़ा फिर होना चाहिए, गैलीलियो को भी। तो फिर गैलीलियो की सज़ा उसको से बताया गया, वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि तुम जल्दी ये अपना जो ये है इसको वापस कर लो और सबके लोगों को बताओ कि तुम नहीं, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है। तब फिर पहली बार गैलीलियो माफ़ी मांगता है, बहुत रोचक किस्म का माफ़ी मांगता है गैलीलियो। गैलीलियो क्या माफ़ी मांगता है कि देखिए, सच्चाई तो यही है, रियलिटी यही है कि सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह घूमता है, लेकिन अगर इस सब धर्म के लोगों को ये बात अगर नहीं जच रहा है और अगर ये चीज़ अगर इन लोगों को नहीं समझ रहा है मैं आ रहा है तो फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ इन लोगों से, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन पहले बोल दिया था कि अभी भी पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी अभी भी घूम रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को अगर ये चीज़ पसंद नहीं है तो इसके लिए फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा इस तरह से कुछ बोला था गैलीलियो ने। तो रियलिटी यही था। फिर लास्ट में लगभग आज से लगभग 150-150 साल पहले ही तो पूरा वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को खुलासा किया कि नहीं, सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह घूमता है, ना कि सूर्य घूमता है। सूर्य भी घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, वो तो गैलेक्सी में घूम रहा है, और घूमते हुए 9 ग्रह जो है पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के परिक्रमा कर रहा है। सूर्य भी गैलेक्सी में स्थिर नहीं है और ब्रह्मांड भी फैल रहा है, ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी है। तो ये था आज का, सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, यानी सूर्य को फुटबॉल मान लिया जाए तो पृथ्वी जो है ना एक मटर के दाने का आकार का है। तो अब पृथ्वी, ये सौरमंडल क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो मनुष्य का क्रमिक विकास होता है, इस चीज़ को फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।